इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, 3 बजे तक चलेगा मतदान, आज ही आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश में 825 में से 349 ब्लॉक प्रमुख चुने जा चुके हैं निर्विरोध, बचे हुए 476 सीटों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। लखीमपुर खीरी में सपा की महिला कैंडिडेट के साथ हुई बदसलूकी पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने नामांकन रोकने के लिए सारी हदें पार की। वोटिंग शुरू होने से पहले मायावती का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप, मायावती ने कहा बीजेपी सरकार में चल रहा है जंगल राज, पंचायत चुनाव में महिलाओं के साथ बदसलूकी शर्मनाक। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ट्वीट कर बोली, उत्तर प्रदेश में राक्षस राज और ढोंग की पराकाष्ठा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा में अब तक 25 गिरफ्तार, हिंसा की 24 घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा और धांधली को लेकर 11 जुलाई को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। एसपी कार्यकर्ता सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन, अधिकारियों के जरिए राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। बुलंदशहर के सलेमपुर में यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के उम्मीदवार के घर के पास बढ़ाई गई सुरक्षा, अज्ञात लोगों ने पुलिस पर हमला किया। गोड्डा में एसपी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे का वीडियो वायरल हुआ, नामांकन के दौरान समर्थकों से लाठी डंडे लेकर चलने की बात कह रहे हैं। बैजनाथ दुबे ने वीडियो को एडिटेड बताया। कटरा बाजार में 7 जुलाई को भिड़े थे एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीजेपी उम्मीदवार वंदना राय के रिश्तेदार को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश में जल्द लागू हो सकती है नई जनसंख्या नीति, स्टेट लॉ कमीशन ने वेबसाइट पर अपलोड किया जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पर लोगों से मांगे गए सुझाव, 19 जुलाई के बाद सरकार को भेजा जाएगा ड्राफ्ट। तेल और गैस के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सड़क पर बाइक में लगाई आग, चूल्हे पर पकाया खाना। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 91 पैसे तो डीजल 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों पर रॉबर्ट वाड्रा बोले, यह अन्याय हो रहा है, लोगों के हित में सरकार दे ध्यान। दिल्ली एनसीआर में दूध के दामों में भी बढ़ोतरी, 11 जुलाई से मदर डेयरी के हर लीटर के लिए 2 रुपए ज्यादा देने होंगे। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आदेश, पुलिस की वर्दी में अच्छे से हो तैयार, सही से वर्दी ना पहनने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। भारतीय नौसेना के साउथ कमांड ने कोची बेस इलाके को 9 ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया, बेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक। आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे अहमदाबाद गृह मंत्री अमित शाह, 12 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा में होंगे शामिल। 100 करोड़ की उगाही के मामले में आज पूर्व सब इंस्पेक्टर सचिन बाजे से पूछताछ करेगी ईडी, तालुजा जेल में होगी पूछताछ। भारत में करीब 63 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क, नितिन गडकरी का बयान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार कर रही है $1.4 ट्रिलियन का निवेश। नितिन गडकरी ने कहा हर रोज 40 किलोमीटर के हिसाब से सरकार का 2024 तक 60,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ, कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार, आज रामपुर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव देह। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गसाटी हो सकते हैं भारत में अमेरिका के नए राजदूत, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया नॉमिनेट। बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने खुद को बताया हिंदू, कहा पूर्वज थे राजपूत, धर्मांतरण कर कबूल किया था इस्लाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, राजनाथ के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए की प्रार्थना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामिया आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात, गृह मंत्री रक्षा मंत्री के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे धामी। तेजस्वी यादव के विपक्ष के साथ आने के बयान पर गिरिराज सिंह का जवाब, कहा बिहार में काम करने वाली सरकार, लोग अब काम खोजते हैं, एकजुटता नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रदेश के नए गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल से की मुलाकात, कल मंगू भाई पटेल ने ली थी राज्यपाल पद की शपथ। टीएमसी नेता मुकुल रॉय बंगाल विधानसभा के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन चुने गए, बीजेपी के टिकट पर जीते थे चुनाव। मुकुल रॉय के चयन पर बोले शुभेंदु अधिकारी, स्पीकर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, दल बदल विरोधी कानून बंगाल में भी लागू होना चाहिए। जम्मू एयरपोर्ट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती को दिखाए काले झंडे, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को किया खारिज, पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुने जाने के खिलाफ दायर की थी याचिका। यूपी में कोरोना के कपा वेरिएंट मिलने से सनसनी, राज्य में 2 केस मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी।
कोरोना लहर के बीच केरल में जीका वायरस से हड़कंप, अब तक 14 नए केस की पुष्टि हुई। एक्शन में राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय। बंगाल में त्रिपुरा से भेजे गए 151 आरटीपीसीआर सैंपल्स की टेस्टिंग, 90 से ज्यादा नमूनों में निकला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट, अधिकारियों ने जताई चिंता। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर नागपुर में हाई अलर्ट, 19 जुलाई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। स्वास्थ्य मंत्रालय की आम आदमी और नेताओं से अपील, सभी वर्ग करे कोविड प्रोटोकॉल का पालन। टूरिस्ट प्लेसेस पर उमड़ रही भीड़ को लेकर नीति आयोग ने जताई चिंता, कहा लापरवाही बढ़ती गई तो मामला हो सकता है गंभीर। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चेताया, कहा भी मौज मस्ती का समय नहीं, वायरस पर अभी काबू पाना बाकी। भारी संख्या में हिमाचल पहुंच रहे लोगों से सीएम जयराम ठाकुर की अपील, कहा कोविड नियमों का पालन करें। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और होटल बुकिंग का प्रूफ दिखाने के बाद ही मिलेगी एंट्री। लाहौल स्पीति में तेलिंग नल्ला नेशनल हाईवे पर जल स्तर बढ़ने से ट्रैफिक मूवमेंट पर पड़ा असर, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुलिस को दिया निर्देश, पर्यटन स्थलों पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराएं। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली का गफ्फार मार्केट और नए वाला मार्केट बंद, 11 जुलाई रात 10 बजे तक के लिए बंद। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर रोहिणी सेक्टर 13 के डीटीएम मार्केट को भी किया गया बंद, 12 जुलाई तक बंद रहेगा बाजार। दिल्ली में अब बिना इजाजत के लाउडस्पीकर बजाने पर देना होगा 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना, दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने संबंधित विभागों को दिए गए जुर्मानों की जानकारी। ओडिशा की पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के भक्तों के शामिल होने पर पाबंदी, रथ खींचने वालों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन का दोनों डोज जरूरी। ओडिशा में मनरेगा मजदूरों के लिए राहत, सीएम पटनायक ने किया 532 करोड़ के कोविड पैकेज का ऐलान। मध्य प्रदेश में डॉक्टर की अनूठी पहल, कोरोना से पति की मौत के बाद डॉक्टर पत्नी ने सोलर पैनल बनवाने के लिए भोपाल के अस्पताल को डोनेट किया 13वीं का पैसा। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 42,766 नए केस, 1,206 लोगों की हुई मौत, 45,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 97% से ज्यादा हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना को 13,563 नए केस, 130 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 3,039 नए केस मिले बीते 24 घंटे में, करीब 3,500 लोग रिकवर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा लोग रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,992 नए मिले मरीज बीते 24 घंटे में, 200 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 600 नए केस मिले, 13 लोगों की जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 81 नए केस मिले, 3 लोगों की मौत। मुंबई में अगले 2 दिनों तक वैक्सीनेशन बंद, वैक्सीन की कमी की वजह से सभी सरकारी अस्पतालों और बीएमसी के सेंटर पर नहीं होगा टीकाकरण। नागपुर में वैक्सीन की भारी किल्लत, लगातार दूसरे दिन महानगर पालिका के सभी टीकाकरण केंद्रों पर नहीं लगाया जाएगा टीका। जायडस कैडिला की एंटी कोविड वैक्सीन की मंजूरी पर बोले वीके पॉल, अभी ट्रायल के बाद डेटा इवैल्यूएशन किया जा रहा है। मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन की जल्द मिल सकती है मंजूरी, वीके पॉल का बयान, वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश जारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया को लिखी चिट्ठी, प्रदेश के लिए वैक्सीन एलोकेशन बढ़ाने की मांग की। चंडीगढ़ प्रशासन ने सुखना लेक पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप, लेक घूमने के साथ ही लोगों को लगाई वैक्सीन। बिहार के कटरा में सिविल सर्जन ने लॉन्च की टीके वाली नाव, बाढ़ प्रभावित इलाकों में किया जाएगा वैक्सीनेशन। केरल में वीकेंड लॉकडाउन जारी, गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए बारिश में भी तैनात पुलिस। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 16 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, पहले शुरू होंगे 9 से 12वीं तक की कक्षाएं। गुजरात में 15 जुलाई से शुरू होंगी 12वीं तक की पढ़ाई, कॉलेज के भी खुलेंगे, क्लास अटेंड करना अनिवार्य नहीं होगा। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की उम्र सीमा घटाकर 21 साल से 18 साल कर दी, कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी सरकार। दिल्ली में स्पेशल सेल की टीम ने एक साथ किए 2-2 एनकाउंटर, द्वारका और रोहिणी में हुए एनकाउंटर, दोनों एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। दिल्ली पुलिस ने बड़ा हिंदूराव इलाके में हुए गोलीकांड में 2 लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद के कारण हुआ गोलीकांड। यूपी के चंदौली में एनकाउंटर, मुठभेड़ में बदमाश के पैरों पर लगी गोली, थाने से फरार हुआ था लूट का आरोपी। मुंबई के डिंडोशी में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम, एक गिरफ्तार, 2 फरार, मुंबई पुलिस को बैंक के हैदराबाद सेंटर से दी गई थी जानकारी। मुंबई के कफपरेज इलाके में 3 महीने के बच्चे की किडनैपिंग के बाद हुई हत्या, पुलिस ने एक ट्रांसजेंडर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बच्चे के जन्म के बाद परिवार ने पैसे देने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रेल हादसा, रेलवे ब्रिज के नीचे गिरे मालगाड़ी के कई डिब्बे, मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में बहे 12 लोग, 6 लोगों के मिले शव, 3 अस्पताल में भर्ती, 3 अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के गाजियाबाद में कार पर स्टंट करते लड़कों का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने वीडियो के आधार पर 18,000 का काटा चालान। बेंगलुरु में पुलिस ने उपद्रवियों के घर पर की छापेमारी, सुबह 5 बजे 105 घरों पर हुई छापेमारी, 76 लोगों को हिरासत में लिया।
बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ से पानी से रास्ता बंद होने के कारण नाव में सवार होकर पहुंची दुल्हन को लेने बारात। शादी के बाद दुल्हन नाव पर ही विदा हुई। बनारस में डीजल से चलने वाली 100 नाव को सीएनजी नाव में किया गया कन्वर्ट। पहला सीएनजी फिलिंग स्टेशन भी बनाया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेल प्रशासन ने 406 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा। सभी लॉकडाउन के बाद गोरखपुर से हरियाणा के पनवेल आ रहे थे। राजस्थान के बाड़मेर में तपती गर्मी में ऊंट पर बैठकर टीचर जा रहे छात्रों के गांव। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से गांव में जाकर लगा रही है पाठशाला। आज दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों में बारिश का जताया अनुमान। जम्मू में हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से तालिबान का बड़ा दबदबा। अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा करने का किया दावा। यदि के राष्ट्रपति की हत्या की साजिश का खुलासा। 2 अमेरिकियों समेत 28 लोगों ने रची थी साजिश। पुलिस ने 3 संदिग्धों को ढेर किया, 17 आरोपी गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में परेड। रंग बिरंगे कागजों की हुई बौछार। इटली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट। आसपास के गांवों में फैली राख और लावा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। घरों के अलावा सड़कों में भी कई फीट तक बह रहा है पानी। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग। आग से बड़ी संख्या में पेड़ों को पहुंचा नुकसान। जंगल में लगातार उठ रही है आग की ऊंची लपटें। पाकिस्तान के योजना मंत्री बोले, पाकिस्तान में दिखने लगे कोरोना की चौथी लहर के लक्षण। दिल्ली सरकार ने किया ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले एथलीट को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। सिल्वर मेडल लाने वाले को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने वाले को देंगे 1 करोड़ रुपए। यूरो कप के फाइनल में कोरोना विस्फोट की आशंका। फाइनल के लिए 90,000 कैपेसिटी वाला वेम्बले स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा। बांग्लादेश जिम्बाब्वे के बीच हुए टेस्ट मैच में 2 खिलाड़ियों के बीच महाभारत होते होते चली। बांग्लादेशी बैट्समैन के डांस करने से नाराज हुआ जिम्बाब्वे का तेज गेंदबाज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।